पलटू राम जो पलटते रहते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है। ये टाई टाई फिश होंगे, अब ये जातिवाद, भ्रष्टाचार, खानदानवाद के पोषक है पूरी तरह से। ये कांग्रेस के गोद में सोए हुए, जिस कांग्रेस ने लोकतंत्र का हत्या किया, उसी लोकतंत्र के हत्यारे के गोद में बैठ करके ये लोकतंत्र की चिंता नहीं हो सकती है। 2024 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी फिर से जनता के आशीर्वाद से दो तिहाई बहुमत से भी ज्यादा से आकर के भाई मीटिंग कर रहे हैं, अपना क्या कहते हैं दिखाने के लिए, चमकाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए। इनके मीटिंग से कुछ होने जाना है जो बिहार नहीं चला सकते हैं। बिहार में अपराध, हत्या, बलात्कार, नरसंहार, दुराचार, भ्रष्टाचार और जातिवाद के पोषक होने के जो जिस जेपी के यहाँ हम लोगों ने संकल्प लिया था, जातिवाद मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया समाज बनाएंगे, उस जेपी की सब जेपी के आत्मा को भी इन लोगों ने चोट पहुँचाया। जेपी जहाँ भी होंगे वहाँ से ऐसे लोगों ने जो कलंकित किया है बिहार को, देश को कलंकित किया है, इसको जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। नेता कह रहे हैं कि बेंगलुरु में कांग्रेस ही लगा दिए, कहा क्या लगाया है आज टेबल पीएम और आज खाल पीएम कैंडिडेट बिना पेनी का लोटा, बिना पेनी का लोटा। भाई देखो, जनता सब कुछ जानती है। ये तमाम लोग जो हैं, जो जातिवाद और भ्रष्टाचार के पोषक हैं, ये गठबंधन जो ठगबंधन है, महाठगबंधन, और पलटू राम जो पलटते रहते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है, इन पर किसी का कोई भरोसा नहीं है, ये स्वयं अस्थिर हो गए हैं तो अस्थिर क्या करेंगे। अरे भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो स्थिर भी रहे और स्थित प्रज्ञ की तरह, जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मयोगी व्यक्ति चाहिए जो देश के लिए और देश के विकास के लिए, देश की जनता जनार्दन के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जो रात दिन लगा रहता है। भारत की जनता ने तो तय किया है कि हम इसी स्थित प्रज्ञ की भांति, इसी कर्मयोगी पुरुष को जो तपस्वी भी है, देश की सेवा में लगातार लगा हुआ है, महासेवक देश के, इसी महासेवक को भारत की जनता आशीर्वाद देने जा रही है। ये टाई टाई फिश होंगे, ये तमाम जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, पहले ये चुन लें कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा, और जो भी होगा वो अस्थिर प्रधानमंत्री नहीं, हमें अस्थिर और ईमानदार और ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो देश का विकास, देश की सुरक्षा, जो दुनिया में देश का नाम रोशन कर सके। सर, बाबा निकलेगा शहर में पोस्टर नीतीश कुमार के विरोध लगाया गया, वही महागठबंधन की बैठक हो रहा है और उनको बिना पेंदी का लोटा वहाँ पोस्टर लगा है। भाई मैंने कहा ना, बिना पेंदी के तो ये लोग सब लोग हैं। अब ये जातिवाद, भ्रष्टाचार, खानदानवाद के पोषक है, वहाँ भी गए हैं तो वहाँ इसी प्रकार के खानदानवाद पोषक, जातिवाद की रक्षा के लिए गए हैं, देश की रक्षा के लिए नहीं। इन्हें देश से कुछ लेना देना नहीं है, इन्हें खानदानवाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद, उसके रक्षा के लिए ये तमाम विपक्षी जो गठबंधन है और पूरी तरह से ये कांग्रेस के गोद में सोए हुए, और कांग्रेस वहाँ अपना खेल कर रहा है। इनको बेपेंदी का लोटा तो घोषित कर दिया है, तो ये कांग्रेस इनकी अंतिम दुर्गति पुराएगा। जिस कांग्रेस ने लोकतंत्र का हत्या किया, उसी लोकतंत्र के हत्यारे के गोद में बैठ करके ये लोकतंत्र की चिंता नहीं हो सकती है।